वाली है। भारत की जनता के लिए भी राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए किसी भी देश के लिए। और यह समझने के लिए आपको भोपाल से आया एक वीडियो आज देखना चाहिए। भोपाल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह आज एक सभा को संबोधित कर रहे थे अपने चुनाव प्रचार के दौरान। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से एक सवाल पूछा कि क्या किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। इस सवाल पर सभा में मौजूद एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठा दिया। दिग्विजय सिंह ने उस व्यक्ति को मंच पर बुलाया। मंच पर आकर उस व्यक्ति ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को मारा है और इस तरह दिग्विजय सिंह का 15 लाख रुपए वाला दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह बात सुनी नहीं और उस व्यक्ति को तुरंत मंच से नीचे उतार दिया। यानी जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करे तो विरोधी दल के जो नेता हैं, हमारे ऑपोजिशन के जो नेता हैं, वो सुनना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये कहते हैं आप ये बताइए पैसे आए या नहीं, सुरक्षा के बारे में बात मत करो, आतंकवाद के बारे में बात मत करो। ये आप पहले देखिए कि हुआ क्या। दिल्ली में किसकी सरकार बने ये तय आपको करना है। भाजपा की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या वादा किया था? काला धन आ जाएगा, हर घर में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? आगे आगे झूठ बोला, जो कहते हैं झूठ बोला वो हाथ उठाइए। झूठ बोला कि नहीं बोला? अब जो कहते कि मोदी जी ने सच बोला 15 लाख रुपए आ गए वो हाथ उठाओ। क्या क्या बोलो? नहीं सुनो, हाथ नीचे रखो। जिसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए वो हाथ उठा ले। तुम्हारे खाते में आ गए? आ जाओ इधर, आ जाओ। अकाउंट नंबर ले आओ तुम्हारा। हम तुम्हारा नागरिक अभिनंदन करें कि तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आ गए। आ जाओ अभी, इधर आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? भागो मत, इधर आओ। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे इसने हाथ उठाया है, आ जाओ आ जाओ। अन्ना अन्ना, तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए? बोलो। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा, तेरे खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे क्या बात करते हो? देखो ये देखो कितना बड़ा झूठा, ये मोदी का चेला है, ऐसे ही झूठा मोदी, वैसे ही झूठा। वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात मत करो, सिर्फ 15 लाख की बात करो, पैसे आए या नहीं आए इसकी बात करो। इस घटना से ये बात स्पष्ट होती है कि जनता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो नेता इसे हल्के में ले रहे हैं उन्हें इस बार के चुनाव में कई